नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। हम हर रोज रोजगार से जुड़े टॉप 5 समाचार को भी लेकर आते हैं। इसके लिए आप बस हमारे YouTube चैनल JOVPVT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप हमारे अपडेट्स तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। होली में चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। अब होली में घर आने वालों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि होली में रेलवे विभाग ने ट्रेनों में लोगों की संख्या को बढ़ता देखकर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, जिसके तहत अब नई दिल्ली से बरौनी और आनंद विहार से पटना के लिए स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही भागलपुर और गांधीधाम के बीच भी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को देखा जाएगा। एयर इंडिया ने निकाली गई बंपर रिक्तियां। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। एयर इंडिया ने मैनेजर, ऑफिसर, ग्राहक, एजेंट समेत अन्य पदों को मिलाकर 160 पदों के लिए आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एयर इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं और साथ ही वहां से विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं। SHS बिहार ने काउंसलर और अन्य पदों के लिए निकाली रिक्तियां। नौकरी की खोज कर रहे युवाओं के लिए खबर कुछ खास है। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने काउंसलर समेत अन्य पदों के लिए कुल 660 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई, जिसकी जानकारी अभ्यर्थियों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर मिल जाएगी। इसके साथ ही इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 मार्च तक इसके आधिकारिक वेबसाइट stethealthsocietybihar.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। अब आइए जानते हैं बिहार के इस जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे आलोकनाथ की। अक्सर पिता के किरदार में नजर आने वाले आलोकनाथ का जन्म बिहार के खगड़िया जिले में हुआ था। आलोकनाथ एक भारतीय फिल्म चरित्र अभिनेता है जिन्हें हिंदी सिनेमा और टेलीविजन में उनके कामों के लिए जाना जाता है। वहीं आलोकनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 1982 में गांधी फिल्म से की थी, जिसने उस साल सर्वश्रेष्ठ फिल्म का एकेडमिक पुरस्कार भी जीता था। फिल्मों के साथ साथ आलोक स्टार प्लस के धारावाहिक जैसे सपना बाबुल का विदाई, यारों के घर घर की खेली और ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी काम कर चुके हैं। ट्विटर ने लागू किया अपना नया फीचर। अगर आप भी ट्विटर के शौकीन हैं या आप भी ट्वीट करने में यकीन रखते हैं तो आपके लिए खबर कुछ खास है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने मोस्ट अवेटेड हाइड रिप्लाइज फीचर को लागू कर दिया है। इस फीचर को फिलहाल डेवलपर कम्युनिटी के लिए लाया गया है ताकि डेवलपर्स इस तरह के टूल डेवलप कर सके तो किसी भी अप्रिय कमेंट्स को हाइड कर सके। इस फीचर के आने के बाद डेवलपर्स इस तरह के टूल क्रिएट कर सकेंगे जो अप्रिय शब्द आदि को ऑटोमेटिकली हाइड कर देगा। गांधी मैदान पहुंचते ही कन्हैया हुए गदगद। इन दिनों बिहार के जिलों में अपने जनगणमन यात्रा के तहत घूम रहे कन्हैया कुमार बीते गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में पहुंचे, जहां पहुंचते ही उन्होंने सभा का संबोधन किया। साथ ही उनकी इस जनसभा में सम्मिलित हुए लोगों की संख्या को देखते हुए भी अपनी खुशी जाहिर की। इतना ही नहीं, इस संविधान बचाओ यात्रा में बीते गुरुवार को गांधी मैदान में आयोजित होने वाले सभा में बॉलीवुड कलाकार स्वरा भास्कर भी सम्मिलित हुई थी। नियोजित शिक्षकों के बाद टीईटी शिक्षक भी आए सड़कों पर। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर नियोजित शिक्षकों के सड़कों पर उतरने के बाद अब बिहार के लगभग 1,00,000 टीईटी शिक्षक भी सड़कों पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं, सभी टीईटी शिक्षकों ने 14 मार्च को सामूहिक मुंडन करवाने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें, पिछले 10 महीने से सभी टीईटी शिक्षक सहायक शिक्षक और राज्यकर्मी बनाने की मांग कर रहे हैं, मगर उनकी मांगों को अनसुना किए जाने के कारण अब सभी शिक्षकों ने सड़क पर अनिश्चित समय के लिए उतरने का ऐलान कर दिया है, जिसकी शुरुआत बीते गुरुवार से हो चुकी है। जेपी सेतु पुल पर बालू से लदी गाड़ियों का परिचालन हुआ बंद। जेपी सेतु पर बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रशासन ने पुल पर भारी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने का फैसला जारी किया है। खबरों की माने तो रेलवे विभाग द्वारा बार बार भारी वाहनों के परिचालन पर उठ रहे सवाल को लेकर प्रशासन ने यह फैसला सुनाया है। इतना ही नहीं, परिवहन विभाग ने अब सेतु पुल पर 6 चक्के से ज्यादा के वाहनों के परिचालन पर भी पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला सुनाया है, जिसके पश्चात अब उत्तर बिहार के जाने वाली भारी वाहन आरा के वीर कुंवर सिंह सेतु होकर जाएंगे। नियोजित शिक्षकों की मेरिट लिस्ट आएगी मार्च महीने में। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के सड़कों पर उतरकर आवाज उठाने के मामले के बीच में बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों की मेरिट लिस्ट को 5 मार्च को जारी करने का फैसला सुनाया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए जानकारों के मुताबिक 5 मार्च को छठे चरण के नियोजन की मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा। वहीं 25 मार्च को चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र की जाँच की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को दिया करारा जवाब। बेरोजगारी के मुद्दे पर हर बार टिप्पणी करते आ रहे राजद नेता तेजस्वी यादव पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हम बिहार के युवाओं को जापान तक भेजेंगे। आप अपना ज्ञान और बुद्धि अपने पास ही रखिए। बिहारियों के लिए बाहर जाकर काम करना गौरव की बात है। वो खुद भी चाहते हैं कि बिहारी बाहर जाएं और बिहार का मान हर जगह बढ़ाएं। नियोजित शिक्षकों की मांग को लेकर राजद नेता ने भी की संसद में मांग। एनपीआर और
एनपीआर और एनआरसी के मुद्दे के हाथ से जाने के बाद अब सभी विपक्षी दल नियोजित शिक्षकों का मुद्दा उठाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत नियोजित शिक्षकों का हवाला देते हुए राजद के सभी नेता सदन के बाहर बैठकर विरोध करने में जुट गए हैं। सदन के शुरू होने से पहले लगभग हर दिन ये सभी नेता नियोजित शिक्षकों की मांग को सरकार द्वारा सहमति जताने की जिद में अड़े रहते हैं। पटना संग्रहालय की गैलरी बनेगी बिहार संग्रहालय की तर्ज पर। बिहार संग्रहालय की तर्ज पर जल्द ही पटना म्यूजियम की गैलरी का भी निर्माण करवाया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम के पुनर्निर्माण के लिए 158 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत अब संग्रहालय के भवन का भी विस्तार करते हुए इसे और बेहतर बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, पटना म्यूजियम के लिए सी अक्षर के आकार के नए भवन का निर्माण किया जाएगा। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की कैंपेनिंग में जुटे तेज प्रताप यादव। इस चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में राजद ने भी अपनी तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसके तहत एक्टिव मोड में आए तेज प्रताप यादव ने कैंपेनिंग का काम शुरू कर दिया है। अपने कैंपेनिंग में तेज प्रताप यादव सबसे पहले पटना के खेतान मार्केट पहुंचे, जहां पर उन्होंने तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार कैंपेन की शुरुआत की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कैंपेन के लोगो वाली टी शर्ट का भी प्रचार प्रसार किया। एनआरसी एनपीआर के बाद विपक्षी नेता तेजस्वी यादव की सरकार के सामने आई एक नई जिद। एनआरसी एनपीआर लागू नहीं होने के आदेश के बाद अब विपक्षी दल सरकार पर सीएए का प्रस्ताव वापस लेने का दबाव बना रही है, जिसके तहत राजद नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह मांग की है कि वो नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ केंद्र सरकार से संकल्प प्रस्ताव पास करवाए। अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम एनआरसी एनपीआर की तरह उन्हें मजबूर करने से पीछे नहीं हटेंगे। एसटीईटी 2019 के एडमिट कार्ड में सुधार का मिला आखिरी मौका। एसटीईटी 2019 की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने वाले सभी अभ्यर्थियों से उनके एडमिट कार्ड में कैटेगरी और जेंडर से संबंधित सुधार करने का एक आखिरी मौका जारी किया है, जिसके तहत अब सभी अभ्यर्थी इन दो कॉलम में सुधार 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक एसटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय आधारित जनगणना करवाने का जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में एनपीआर साल 2010 के फॉर्मेट में लागू करवाने के आदेश सुनाए जाने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र में जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में प्रस्ताव पारित करवा दिया है। वहीं विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को राजद के समय से चलता आ रहा प्रस्ताव करार कर दिया है। महिला अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने मिजोरम को दी मात। बिहार की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने शानदार खेल का सिलसिला जारी रखा है, जिसके तहत बिहार की टीम ने एक और जीत अपने नाम दर्ज कर ली है, जिसके तहत बिहार की टीम ने मिजोरम की टीम को 107 रनों से हरा दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के कडापा मैदान में खेले जाने वाले इस मैच में बिहार की यह लगातार तीसरी जीत थी। इसके पहले बिहार ने चंडीगढ़ और अरुणाचल प्रदेश को हराया था। वहीं अब बिहार का अगला मैच आज मेघालय के साथ खेला जाएगा। मार्च में 6 दिनों तक बैंक का कामकाज रह सकता है बंद। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। अगर आपको भी बैंक से संबंधित कोई जरूरी काम करवाना है तो जल्दी करवा लें, क्योंकि अगले महीने लगभग 6 से 8 दिनों तक बैंक का कामकाज बंद रह सकता है। खबरों की माने तो सभी सार्वजनिक बैंक के कर्मियों ने 11 से 13 मार्च तक बैंक बंद रखने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत होली की छुट्टियों और रविवार को मिला दे तो बैंक लगातार 6 दिनों के लिए बंद रह सकता है। वहीं आपको बता दें, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों ने 29 फरवरी को मुंबई में होने वाले द्विपक्षीय वार्ता के परिणाम के आधार पर बंद का आह्वान करने का ऐलान किया है। राजद के 2 विधायकों को दिखाया गया पार्टी से बाहर का रास्ता। राजद पार्टी के खेमे में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत पार्टी ने अपने 2 युवा नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। खबरों की माने तो ये दोनों नेता झारखंड राजद का हिस्सा थे। वहीं पार्टी ने युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव और महासचिव विनोद सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर करने के फैसले पर कहा है कि इन दोनों नेताओं के बारे में काफी समय से पार्टी विरोधी काम करने की बातें सामने आ रही थी, जिसके बाद ही पार्टी ने इन्हें बाहर करने का फैसला जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल के अंत तक बिहार के विकास का किया दावा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट सत्र के 4th दिन बिहार को लेकर कई दावे किए हैं, जिसके तहत उन्होंने इस साल के अंत तक बिहार में हर घर नल का जल व्यवस्था, पक्की नली गली योजना को पूरा करने का दावा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ग्रामीण इलाकों में भी वार्ड का काम पूरा करने का ऐलान किया है और साल खत्म होने तक बिहार को एक विकासशील राज्य बनाने का दावा भी किया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात पर जदयू ने दी सफाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक गलियारे में कयासों का दौर शुरू हो गया है, जिस पर पूर्ण विराम लगाते हुए जदयू ने अब अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने सभी नेताओं से यह कहा है कि दोनों विरोधी नेताओं की मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब ना निकाला जाए और भाजपा को किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
भारतीय महिला टी20 में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। भले ही भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने नहीं टिक पाई हो, मगर विमेन क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 8 विकेट गंवाकर 133 रन बनाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की महिला टीम ने 130 रन और 5 विकेट बनाकर मैच अपने हाथ से गंवा दिया। वहीं भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में 46 रनों की शानदार पारी खेली। अब चले बढ़ते मौसम की खबरों। ठंड से अब धीरे धीरे ही सही मगर लोगों को राहत मिल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी, तो वहीं कुछ जगहों पर बादलों के कारण बारिश होने की भी संभावना है। तो वहीं छपरा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावना है। वहीं हवा के चलने की वजह से ठंड में इजाफा हो सकता है। वहीं कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 27 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 40,510 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,390 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 49,600 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.28 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 69.91 रुपए प्रति लीटर था। जदयू मंत्री प्रेम कुमार की टिप्पणी के बाद गरमाया माहौल। बिहार विधानसभा सत्र के चौथे दिन विधानसभा के अंदर विपक्षी दलों ने एक बार फिर से अपनी आवाज उठाई, जिसके बाद सदन शुरू होते ही कृषि मंत्री प्रेम कुमार भी विपक्षी दलों पर तंज कसते नजर आए। उन्होंने राजद पर तंज कसते हुए यह कहा कि बिहार से लालटेन युग खत्म हो गया है। एक पिछड़े समाज का नेता प्रेम कुमार मंत्री बना है तो राजद को सुहा नहीं रहा है, जिसके बाद राजद के कई नेता विरोध करने के लिए खड़े हो गए। वहीं स्थिति हाथ से निकलता देखकर एक बार फिर से सदन को स्थगित कर दिया गया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें हैं रामशंकर प्रसाद यादव, शैलेश मौर्य असिस्टेंट टीचर, अंग्रेज कुमार, सुमन मिश्रा, सोनू यादव, एनके मुन्ना ऑफिशियल, जोया जमाल, नीतीश कुमार, शैलेश कुमार, नीरज कुमार, शंकर विशाल, कार्तिक यादव, प्रहलाद कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार सरकार के बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाने से आप कितने सहमत हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।